नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी लोग हैं जो अत्यधिक परेशान हैं, क्योंकि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा है जो 45 दिन बाद भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है। और सभी को पता है कि एजेंट हो अथवा जमाकर्ता हो, सभी लोग परेशान हैं। तो मैं इस संबंध में सहारा इंडिया के वरिष्ठ फील्ड वर्कर हैं, जो जिन्होंने बहुत समय से तक काम किया, अब काम छोड़ चुके हैं, और जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है लेकिन भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो सर, आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मुकेश कुमार जैन है जी। तो अब बताइए कि आपका भुगतान कब से फंसा हुआ है? मेरा भुगतान 2016 से फंसा हुआ है। अच्छा, तो आपका कौन कौन सी स्कीम का भुगतान है? मेरा 75% क्यूसाप का भुगतान है जी। 2016 का तो हमारा माइनर का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, तो अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, खासकर सुप्रीम कोर्ट से जो जज है, न्यायाधीश जी, कि सहारा का जल्द से जल्द पैसा दिलाया जाए। अच्छा, जो सहारा द्वारा गुमराह किया जा रहा है जी, उस पर जनता की राय ली जाए जी। जो सहारा गुमराह कर रही है, जो पोर्टल पर सही जानकारी, CRC जो पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट द्वारा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस पोर्टल का लॉन्च किया गया था, उसमें सहारा जानबूझ करके त्रुटियाँ फैला रही है जिसमें हमें पैसा ना देना पड़े। कृपया हमारा निवेदन है कि इसमें सहारा सहयोग करे और अधिक जल्द से जल्द जमा कर दे। सहारा सहयोग के नाम पे तो बता रही है आपके दावे मिस्टेक है। वही तो कह रहे हैं ना कि वो सहारा ही को तो करना है, तो सहारा द्वारा दिए गए बॉन्ड हैं, तो सहारा को करना होता तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 5,000 करोड़ रुपए मिला है, सहारा ने थोड़ी दिया। तो सहारा का जो जमा था तो वो पैसा दिया है, तो इसमें 5,000 करोड़ दिलाने में सहारा को सहयोग करना चाहिए। अच्छा। लेकिन सहारा सहयोग नहीं कर रहा है, ये सहारा की गलती है। तो इसमें लेकिन सहारा द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई गई, उसमें पैसा लिया गया और एम्बार्गो के बहाना बताया गया है ना। तो अब जब ये सबको तो पता है, जब ऐसा हुआ तो शासन प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उनकी पेरोल रद्द कराने हेतु शासन प्रशासन क्यों नहीं कह रहा है कि पेरोल रद्द की जाए, सहारा प्रमुख को जेल में डाला जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि सहारा और प्रशासन, हाँ शासन, हाँ इनकी दोनों की मिली भगत है। हाँ। दोनों की मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। हाँ। इसलिए अभी तक न 45 दिन होने के बाद न किसी का भी 10,000 डाला गया है, और तरह तरह की टूटियाँ निकाली जा रही हैं। तो आगे अगर क्या करने की आपकी इच्छा है? आगे ये है कि हम जो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जैन साहब थे जिन्होंने बरसों तक काम किया, लेकिन उनके जमाकर्ताओं के भुगतान बहुत से बाकी है, अत्यधिक परेशान है। और आपका नाम? गणेश जोशी। तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं सहारा इंडिया में? लगभग 18-20 साल हो गए। तो आपका भी पैसा डला है? हाँ, बहुत पैसा डला है, मेरा डला है, मेरे जमाकर्ताओं का भी डला है। अच्छा। लगभग करके मेरी 2.5 करोड़ की लिस्ट है। अच्छा, तो उसके उपरांत में परेशान भी करते होंगे जमाकर्ता? परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कुछ तो मारने आते हैं, क्या किया जाए, लेकिन परवश है। शासन प्रशासन को तो अवगत कराया कि नहीं कराया? शासन प्रशासन को सभी को अवगत कराया, लेकिन कोई वो नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वर्तमान परिवेश में जो सरकार है, जो सहारा प्रमुख को क्यों बचा रही, क्या इसका मतलब निकलता है? इसमें हमको यही लगता है कि शासन की खुद मिली भगत है इसमें। अच्छा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह खुद माने शरण दिए हुए हैं हमारे सुब्रत राय सहारा श्री जी को। हाँ, उन्हीं के द्वारा बचाया जा रहा है। यदि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो भुगतान मिल सकता है? लगभग संभावना बनती है। अच्छा, यदि गिरफ्तार, हाँ, उनके पैरोल रद्द कर दी जाए, हाँ, तो संभावना है भुगतान की भाई, क्योंकि हाँ, जब वो जेल में थे तब ये पैसा जमा किया गया, हाँ, था उसी चक्कर में उन्होंने जमा करवाया था वो 25,000 करोड़ रुपए। और ये सहारा का 86,000 करोड़ रुपए गया कहाँ गया? मिस डोनिया वगैरह की भी चर्चा आ रही सामने कि वहाँ लगाया है।
वो हमको क्या मालूम कहीं लगाया है या नहीं लगाया या हो सकता है रिश्वत में दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पेरोल उनको फ्री में तो मिलेगी नहीं, शासन को पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनको माने बंद नहीं किया जा रहा। 100% है इसमें, इसमें कोई बात हाँ हो सकता है इसमें मोदी जी भी शामिल हो। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? जी महेंद्र कुमार बैरागी। तो इस बार चुनाव नज़दीक है, किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को वोट तो नहीं देंगे भाई, जो सहार एनडीए का पैसा दिला देगा तो अच्छा जो सहार एनडीए का पैसा दिलाएगा उसको वोट देंगे, उसको भी वोट देंगे चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा तो नाराजगी क्या है बीजेपी से, क्या नाराजगी? क्योंकि इसमें कोई सहायता नहीं की उनने पैसा दिलाने में, बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर तक सब मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा और आप ग्रामीण अंचल से हैं तो आपको भी जमाकर्ता परेशान करते हैं? बहुत ज़्यादा, देहातों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, घर पर आ जाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो ये माननीय अमित शाह जी द्वारा पोर्टल तो बनाया गया है? पोर्टल बनाया गया तो उसमें आपने दावा किया है? हाँ हमने सभी खातों का दावा किया है लेकिन सभी में डिफिशियंसी आ रही है, मतलब उसमें भुगतान नहीं मिला है? नहीं, कभी कोई समस्या, कभी आधार की, कभी सदस्यता की, इस टाइप की मैसेज आ रहे हैं। तो आप अत्यधिक परेशान होंगे? बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा अच्छा और आप क्या करना कहना चाहेंगे भुगतान को लेकर? आप भी सहार इंडिया के जमाकर्ता और एजेंट दोनों हैं? हम दोनों हैं और बहुत समय से सहार इंडिया में काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन लगभग 2016 से हाँ संस्था द्वारा हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भुगतान के नाम पर इस स्कीम से उसकी स्कीम में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ग्राहकों को मना थपा के कि नहीं अगली साल कर देंगे ये कर देंगे, इस तरह से गुमराह करके सारा। और ये भी बोला था हम एक एक दिन का न्यूज चैनलों पे पैसा दे, बहुत ब्याज दे रहे हैं और आज जितना लेट होगा उतना हम आपका ब्याज सहित भुगतान करेंगे। तो ये सब लगता है कि ये सब एक चाल है, शुरू से एक चाल खेल रही थी? मुझे तो लगता है ये 2012 से यही चल रहा है उनका, जैसे ही उनने रियल इस्टेट से पूछा में री इन्वेस्ट करवाया था तब से उनकी इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन हम लोग चूँकि सहारियन हैं पहले से जुड़े थे तो विश्वास करते रहे उन पर, लेकिन ये तो अभी हमको 2018 में मालूम हुआ कि ये तो हमको गुमराह कर रहे हैं और इनकी पैसे देने की ना कोई इच्छा नियत ही नहीं है। तो ग्राहक भी आपको परेशान कर, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा पर्सनल भी उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट है तो हम वैसे ही परेशान है और ग्राहक भी बहुत पर्सनल इन्वेस्ट है जो आपने किया तो कहाँ से किया आपने? घर से किया, खेती बाड़ी करते हैं हम। अच्छा अच्छा तो लोगों का करवाते हैं हम, तो हमने सोचा जब लोगों को लाभ दिला रहे हैं तो खुद का लाभ क्यों ना लें। अच्छा। मालूम थोड़ी था कि सहाश्री जो हम पूजनीय माने जाते हैं वो इतना गंदे और बेकार टाइप की धोखाधड़ी करने को निकलेंगे, जिनको हम लोगों ने बड़ा सम्मान दिया मान दिया, लेकिन उन्हीं लोगों ने हम लोगों का खून चूसा और आज हमको इस जगह खड़ा कर दिया कि ना हम मार्केट में जा सकते हैं ना घर गृहस्थी सही तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि पूरा पैसा हमने उसी में बचा दिया। तो हम लोग बहुत परेशान हैं और विशेष रूप से गवर्नमेंट से और हमारे न्यायाधीशों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा और हमारे ग्राहकों का जल्दी से जल्दी भुगतान करवाने का कृपा करें। अच्छा अच्छा आपका नाम? हमारा नाम हरिगोविंद पटेल है। अच्छा आपकी सहारा के एजेंट जमाकर्ता दोनों हैं? जी हम सहारा के एजेंट हैं। अच्छा जमाकर्ता? जमाकर्ता। आपका भी पैसा फंसा है? हमारा स्वयं का भी पैसा फंसा है और हमारे ग्राहकों का भी। तो आप क्या कहना किसको, अगर ये पैसा किसको वोट देंगे यदि पैसा नहीं मिला तो? हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे ग्राहकों का हमारा जो पैसा दिलाने में मदद करेगा उसी का हम सपोर्ट करेंगे हम सब लोग। अमित शाह जी कर तो रहे, अमित शाह जी 45 दिन का उन्होंने वादा किया था बैठक के संबंध विषय से, अभी कुछ किसी को एक 10,000 रुपये की किस्त फर्स्ट नंबर ने बोली थी 10,000 रुपये किस्त डालेंगे, उसके बावजूद अब किसी ग्राहक की कोई किस्त नहीं आई है और समय भी 2.5 महीने से ज़्यादा भी बीत गया है और हमारे भी उसी आशा से चुनाव भी नजदीक आया, सोचते थे चुनाव के पहले पहले ये हमारा हम लोग भी मदद करेंगे तो हम लोग उनकी भी सपोर्ट करेंगे, इसके उनके विचार अनुसार और उनके जो समय दिया था उनके अनुसार तो समय बहुत ज़्यादा निकल गया, चुनाव भी पास में आ गए हैं।
लेकिन भुगतान नहीं मिला। भुगतान अभी किसी का नहीं हुआ है और जो पोर्टल पे सबने जो आवेदन किए थे उसमें भी कैसे त्रुटियां बता रहे हैं, जबकि हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और आधार कार्ड वगैरह जो चीज़ें मांगी थी वे भी हम लोगों ने ओरिजिनल सबमिट की हैं, उसके बावजूद भी तरह तरह की त्रुटियां बता रहे हैं ग्राहकों की। ठीक है, तो इस तरह है, जो चाहे जमाकर्ता हो चाहे सहारा का एजेंट हो, सभी लोग अत्यधिक परेशान चल रहे हैं और मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, बहुत हो चुका, अब तो आप विशेष कृपा दृष्टि करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए निर्दोष जनता को न्याय देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। इनको लेना है मैन ईयर वन के इंटरव्यू, इसमें लगी हुई है बटोरी।